हेलो डियर लर्नर्स, आज ये डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग यूज लैंग्वेज का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनिश और कंप्लीट वर्ब के यूसेज का डिफरेंस। जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी कन्फ्यूजिंग है एंड मोस्ट ऑफ टाइम वी थिंक दैट दिस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन ऑल सिचुएशंस। दो समटाइम्स वी यूज फिनिश इन प्लेस ऑफ कंप्लीट एंड वैसे वर्सा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस। तो हम डिस्कस करेंगे कि फिनिश और कंप्लीट वर्ब के मीनिंग में एक्चुअली क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इनके यूसेज में डिफरेंसेस होते हैं, और जब हमें इनका यूज़ कभी करना होता है खुद राइटिंग में या कभी किसी एग्जामिनेशन में, अगर हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम कैसे बेटर ऑप्शन को चूज़ करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके की सिचुएशंस हमें मिल सकती हैं फिनिश और कंप्लीट वर्ब के यूसेज को लेकर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में फिनिश और कंप्लीट दोनों ही वर्ब हमें ऑप्शन में दी गई हैं और उनमें से कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी चाहिए ये हमें डिसाइड करना है। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और ये देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें यूज़ करना चाहिए। मैं एक बार सेंटेंसेस आपके लिए पढ़ देता हूँ। ही कुड बेयरली फिनिश और कंप्लीट द टास्क इन टाइम। So we have to decide whether to use finish or complete in this sentence. Kamal needed two more pieces to finish the puzzle to complete the puzzle. After finishing or completing high school, he pursued BSc. Some candidates have fully finished, completed their training. I had already finished, completed writing the letter. अब हमें ये डिसाइड करने के जो दो ऑप्शंस हमें दिए गए इन हर एक सेंटेंस में, इनमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विच ऑप्शन इज द आंसर, वेदर वी हैव टू यूज फिनिश और कंप्लीट। तो आ जाइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक डिफरेंसेस कि जो हमारी फिनिश वर्ब है और कंप्लीट वर्ब है इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। एक बात जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि फिनिश वर्ड जो होता है इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, एंड कंप्लीट वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर यूजेस एज वर्ब्स ओनली। तो फिनिश वर्ड जो होता है वर्ब होने के साथ में नाउन के तरीके से भी यूज होता है, ठीक है। कंप्लीट वर्ड जो होता है वर्ब होने के साथ साथ में एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन हम इन दोनों वर्ड्स के वो यूजर्स डिस्कस करेंगे जिनमें ये वर्ब्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो हमें ध्यान रखने हैं फिनिश और कंप्लीट वर्ब को यूज करते समय या उन पर आए हुए क्वेश्चंस को आंसर करते समय, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है इनका मीनिंग। कैसे मीनिंग में क्या ध्यान रखना है? फिनिश एंड कंप्लीट। फिनिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, एंड करना। आप ऐसा समझ सकते हैं फिनिश मींस एंड समथिंग, क्लोज और स्टॉप समथिंग, फिनिश मींस टर्मिनेट समथिंग, are the synonyms of the word finish. While the synonyms of the word complete are accomplish something, fulfill something or perfect something. Perfect is also a verb, okay? Perfect हमेशा adjective ही नहीं होता, verb भी होता है, ध्यान रखना। Perfect करना मतलब किसी चीज को पूरा कर देना, बेहतर कर देना। तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है फिनिश और कंप्लीट वर्ब के यूजेज में वो आप इसके मीनिंग से समझ सकते हैं। अगर हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग पे ध्यान देंगे तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें समझ में आ जाएगा कि फिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, इरोड करना, मेक इट डिसअपियर। कंप्लीट का मतलब होता है उसको फिल करना, फिल अप करना, फिल इन करना, जिससे कि वो पूरा हो जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन वी कंप्लीट समथिंग वी पुट टुगेदर ऑल द इंपॉर्टेंट इंटीग्रल एलिमेंट्स। All the integral elements when are put together and they make it a whole, it is completion. But when we erode things one by one and there is nothing left, it is finishing. So finish कर देने का मतलब
खत्म कर देना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देयर इज अ ग्लास फिल्ड विद वाटर एंड वी टेक आउट वाटर, देन वी आर फिनिशिंग। बट इफ देयर इज एन एम्प्टी ग्लास एंड वी पुट वाटर इन टू इट, देन वी आर कंप्लीटिंग। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, इरोड करना। तो ये जो कंट्रास्टिंग डिफरेंस है, ये सबसे बेसिक डिफरेंस इन वर्ब्स के यूजेस में, हालांकि कुछ और भी डिफरेंसेस है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंस इन दोनों वर्ब्स में यही है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, He has to complete or finish these sentences using the given options. He finished, completed the meal and went for his office. अब आप इन दोनों एग्जांपल्स पे देखिए, यहां पर हमें क्या करना है कि ये कंप्लीट और फिनिश वर्ब्स हैं, इनमें से ऑप्शन चूज करना है कि विच ऑप्शन टू यूज हियर। ही हैज टू कंप्लीट फिनिश दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन ऑप्शंस। हमने किसी को कुछ सेंटेंसेस दिए जिनमें ब्लैंक्स हैं, और किसी को वो ब्लैंक्स जो हैं फिल करने हैं, मतलब सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यूजिंग द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस दिए गए। तो अब हमें पता है कि जैसे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें जो ब्लैंक होता है वो मिसिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अगर हम उसको मिसिंग पार्ट को वहां पे फिल कर दें, तो इससे वो हमारा सेंटेंस जो होता है वो होल बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये है कंप्लीट करना। इसके लिए अब हम फिनिश वर्ब नहीं यूज कर सकते, अब हम वर्ब यूज करेंगे कंप्लीट। ही हैज टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन ऑप्शंस, बिकॉज यू आर पुटिंग द इंटीग्रल पार्ट्स टूगेदर एंड मेकिंग समथिंग होल, किसी चीज को पूरा कर रहे हो। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, ही फिनिश कंप्लीटेड द मील एंड वेंट फॉर हिज ऑफिस। मील का मतलब भोजन, उसने अपना भोजन जो था, खाना जो था, वो खत्म किया और उसके बाद में अपना ऑफिस चला गया। तो अगर हम कोई भी कंज्यूमेबल गुड खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कंज्यूम करते हैं, खाने पीने की जो चीजें होती हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, तो यूज करने पे क्या होता है, दे डिसअपियर, नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसी सिचुएशन में वी आर नॉट कंप्लीटिंग, वी आर इरोडिंग, वी आर टेकिंग समथिंग आउट, वी आर नॉट फिलिंग समथिंग। तो यहां पे हम फिल कर रहे हैं, बट यहां पे हम फिल नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम किसी चीज को धीरे धीरे इरोड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे फिनिश। तो आपने कभी अगर ध्यान दिया हो, तो जो फूड आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, उनके साथ आपने देखा होगा तो हम फिनिश वर्ब का ही यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो फिनिश और कंप्लीट में है वो ये है जो आपके सामने। फिनिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, एंड करना, टर्मिनेट करना। कंप्लीट का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, उसके इंटीग्रल जो मिसिंग पार्ट्स हैं उनको साथ में रखकर उसको पूरा कर देना, होल बना देना। तो एक तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, एक और डिफरेंस देखते हैं। फिनिश जो हमारा वर्ड है बच्चों, और कंप्लीट वर्ड, इनमें एक बड़ा डिफरेंस होता है। क्या? फिनिश कन्वेज अ नेगेटिव काइंड ऑफ मीनिंग व्हाइल इट कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग। जो अंडरलाइन मीनिंग होता है फिनिश का, वो नेगेटिव इन टोन। नेगेटिव मीन्स नॉट, नहीं, ग्रामर के नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, लाइफ में जो नेगेटिव वर्ड हम यूज करते हैं उसकी बात हो रही है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। तो ये नकारात्मक चीजों के लिए फिनिश वर्ड को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। फिनिश इज प्रेफर्ड इन सच सिचुएशंस
in which you are referring to something negative. While complete is preferred to refer to something positive, something good. He finished, completed the enemy with a सिंगल ब्लो. अब हमने कहा कि एक ही वार में उसने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया. काम तमाम कर देने का मतलब है किल कर दिया. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये नेगेटिविटी वाला इमोशन है, नेगेटिव वाली सिचुएशन है, फिनिश्ड. तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी ऐसा दिखाया जाता है कि फिनिश देम, फिनिश देम मीन्स किल देम, मार डालो. तो ये नेगेटिव मीनिंग जहां पे मैं कन्वे करना हूं तो वहां पे हम फिनिश का यूज करते हैं. इसको लेकर आप एक छोटी सी बात और ध्यान रख सकते हैं कि फिनिश में ये जो हम सफिक्स यूज करते हैं एसएच, ये सफिक्स ही नेगेटिविटी का होता है. इसका यूज नकारात्मक चीजों के साथ में, बुरी चीजों के साथ में किया जाता है. मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो आप ऐसे समझिए, देयर आर सम वर्ड्स लाइक चाइल्डिश, हेलिस, विमेनिस. अब आप इन वर्ड से देखिए, हेलिस, वाइल देर इज हेवनली, एक वर्ड होता है हेवनली. हेवनली का मतलब रिलेटेड टू हेवन, सो हेवन इज अ गुड थिंग, पीपल लव टू बी देयर, बट नो बडी वॉन्ट्स हेल. हेल इज द रिप्रेजेंटेशन, अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, अ सिंबल ऑफ इविल. तो हेल से जो हम एडजेक्टिव बनाते हैं, हेल इज अ नाउन एंड द एडजेक्टिव ऑफ इट इज हेलिश. उसी तरीके से देर इज अ वर्ड चाइल्ड लाइक एंड देर इज अ वर्ड चाइल्डिश, एंड वी नो चाइल्डिश कन्वेज नेगेटिव मीनिंग, बैड थिंग्स. व्हेन वी हैव टू रेफर टू बैड थिंग्स, बैड एट्रीब्यूट्स, देन वी यूज चाइल्डिश. बट व्हेन वी हैव टू रेफर टू द पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी यूज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस. इनोसेंस इज समथिंग गुड. चाइल्डिश इंसिस्टेंस, बच्चों के जैसे हिट हट कर लेना. विमेनिस एंड वुमेनली, वी ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विमेनिस एंड वुमेनली. सो नेगेटिव, नेगेटिविटी, बैड थिंग्स को रेफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो सच वर्ड्स एज हैव द प्रीफिक्स एश एच, दे हैव अंडरलाइंग नेगेटिव एंड बैड मीनिंग्स. So that happens with the finish. So finish के साथ में भी ऐसा होता है, complete के साथ ऐसा नहीं होता है. We can understand that with one more example. It finished, completed his life. You can understand it in this situation, both are correct. Finished is also correct and completed is also. You can use either of these. You can use this sentence with finished or with completed, but they have different understood meanings. When you say it finished his life, then it means something bad happened to that person. He suffered in his life. It finished his life means it destroyed his life. Something bad happened to that person about whom we are talking in this sentence. But when we say it completed his life, it means there was something missing in his life that was completed later, and his life become complete, full of joy, and there was nothing lacking. कुछ भी कम नहीं रहा, सब कुछ पूरा हो गया. अब इट का मतलब आप मैरिज समझ सकते हैं. एक एग्जांपल यहां पर ऐसा, किसी पर्सन की शादी हुई, शादी हुई, उसके साथ में कुछ अच्छा हो गया. ठीक है, उसकी जिंदगी में कुछ कमियां थी, कुछ खुशियों की कमी थी, वो खुशियां मिल गई और वो कमी उसके जीवन में पूरी हो गई और वो
क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री लाइफ अपनी उसने जी, तो इट कंप्लीटेड इज लाइफ। लेकिन किसी की शादी हो गई और उसकी बर्बादी के रास्ते खुल गए, अच्छा खासा जी रहा था और उसका जीना दुश्वार हो गया, तो इट फिनिश इज लाइफ। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिनिश एंड कंप्लीट दे ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इन देयर मीनिंग। व्हेन वी यूज फिनिश इट रेफर्स टू समथिंग नेगेटिव, समथिंग बैड, व्हाइल कंप्लीट जस्ट डज द ऑपोजिट। इसको ध्यान रखेंगे। वन मोर डिफरेंस, फिनिश एंड कंप्लीट द वर्ड फिनिश फोकसेस ऑन द एक्शन व्हाइल द वर्ड कंप्लीट फोकसेस ऑन the object, the thing. Let's understand with an example. Finish focuses on action. Complete focuses on object. हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वी वेटेड अंटिल ही फिनिश्ड और कंप्लीटेड हिज स्पीच। They finished, completed the necklace with jewels. Now see, we have to decide whether we should use finish or complete in these examples. Now you have to come back here. हमने क्या डिस्कस किया कि we use finished, when we use finish in some sentence, it focuses on the action. Action means doing of something. While complete focuses on the object that gets completed. ये डिफरेंस भी हमें ध्यान में रखना है कि फिनिश और कंप्लीट में एक डिफरेंस ये भी हो गया कि फिनिश फोकसेस ऑन द एक्शन व्हाइल कंप्लीट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट गेट्स कंप्लीटेड। नाउ कम टू दिस एग्जांपल्स, दे फिनिश्ड कंप्लीटेड द नेकलेस विद जूल्स। मान लीजिए कोई ज्वेलर्स हैं, उन्होंने कोई नेकलेस बनाया, हार बनाया, और उस हार में उन्होंने अच्छे अच्छे जूल्स लगा के उसको पूरा किया। तो हमें पता ही, जो विद जूल्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो विद जूल्स हमने फ्रेज लिखी है, ये फोकस कर रही है नेकलेस को, कि उन्होंने नेकलेस को पूरा किया। तो उसको किस तरीके से पूरा किया, केवल उसमें गोल्ड सिल्वर ही यूज़ किया, कोई जूल्स भी यूज़ किया? तो उन्होंने जूल्स भी यूज़ किए। तो यहाँ पर फोकस किस पर है? ऑब्जेक्ट पर है। अगर ऑब्जेक्ट पर फोकस है, नेकलेस पर फोकस है, दे कंप्लीटेड द नेकलेस विद जूल्स, उन्होंने जूल्स को मतलब लगाकर नेकलेस को कंप्लीट किया। तो मतलब हमारा फोकस यहाँ पे कंप्लीट करना नहीं है, हमारा फोकस यहाँ पर इस बात पे है कि वो जो नेकलेस था उसमें जूल्स भी लगे थे और उसमें नथिंग वॉज मिसिंग, कुछ भी उसमें मिसिंग नहीं था, एवरीथिंग वॉज फाइन एंड वॉज परफेक्ट। अब इस एग्जाम्पल में आते हैं, वी वेटेड अंटिल ही फिनिश्ड और कंप्लीटेड हिज स्पीच। कोई पर्सन स्पीच दे रहा है और हमें उसे मिलना है, अब हम इंतजार कर रहे हैं। अब हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उसकी स्पीच का या स्पीच के खत्म होने का?
So I'm easily we can understand that we are not waiting for the speech, we are waiting for the action to get completed. तो हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उसकी स्पीच के खत्म होने का, स्पीच का इंतजार नहीं कर रहे थे हम, स्पीच के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे. तो हमारा फोकस किस पर है? एक्शन पर है. ठीक है, अगर हमारा फोकस एक्शन पर है तो आप फिनिश यूज कीजिए, डोंट यूज कंप्लीटेड, यू हैव टू यूज फिनिश्ड. वी वेटेड अंटिल ही फिनिश्ड हिज स्पीच, हमने इंतजार किया जब तक उसने अपनी फिनिश स्पीच को फिनिश नहीं कर लिया. तो इस तरीके के डिफरेंसेस भी हमें ध्यान रखने. और देखिए क्या ध्यान रखने हमें डिफरेंस में, एक डिफरेंस देखते हैं, फिनिश एंड कंप्लीट. अभी जो मैंने आपको समझाया है उसी को अगर हम एक और तरीके से देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फिनिश, फिनिश वर्ब कैन बी यूज्ड फॉर द थिंग्स एज वेल एज प्रोसेसेस. प्रोसेस मीन्स एक्शन. वर्ब कैन ओनली बी यूज्ड फॉर थिंग्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोसेस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल. हियर इज एन एग्जांपल, द मैन फिनिश्ड कंप्लीटेड, द मैन फिनिश्ड कंप्लीटेड पेंटिंग द वॉल. I finished completed the homework and went to play. Now you see, we have got two options, finished and completed. We have to make a choice which one is correct. And here as well, I finished, completed the homework and went to play. Now see, यहाँ पे जो हमने finish और complete verb use किए हैं, उसके बाद जो object लिखा है आप ध्यान से देखिए, तो वो जो object है ना वो एक non-finite verb है, painting. Painting is a process, not a thing. Painting is also a thing, but not in this context. In this context, it is a process. Painting the wall, wall को paint करना, that is a process. That is not a thing. तो ऐसे कंडीशन में व्हेन वी हैव टू रेफर टू सम प्रोसेस, सम एक्शन, डोंट यूज कंप्लीट, यूज फिनिश. फिनिश फोकसेस ऑन द एंड ऑफ समथिंग, एन एक्शन हैज टू कम टू एन एंड. यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट एन एक्शन हैज टू कम टू एन एंड. थिंग्स कैन गेट कंप्लीटेड. एक बुक मैं लिख रहा हूं, तो वो बुक जो मैं लिख रहा हूं उसमें 20 चैप्टर्स हैं एंड आई हैव रीच्ड तो 14th चैप्टर, मैंने 14 चैप्टर्स पूरे कर लिया, बट स्टिल समथिंग इज लेफ्ट. तो बुक इज अ थिंग दैट कैन गेट कंप्लीटेड, सम पार्ट ऑफ इट इज मिसिंग, सो व्हेन दैट इज पुट देयर इट गेट्स कंप्लीटेड. सो थिंग्स गेट कंप्लीटेड, थिंग्स गेट एंडेड. थिंग्स खत्म भी हो सकती हैं, थिंग्स पूरी भी हो सकती हैं. जैसे मैंने ग्लास वाला आपको एग्जाम्पल दिया, अगर ग्लास भरा हुआ है तो वो खाली होगा, और तो नहीं भर सकते उसको, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उसको आप खाली कर सकते हो. खाली है तो उसको आप भर सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं. बट एन एक्शन हैज टू कम टू एन एंड, एक्शन को एंड ही होना पड़ता है, उसका एक ही मतलब रिजल्ट होता है, दैट हैज टू एंड. सो थिंग्स जो होती हैं उनको हम दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं, फिनिश के साथ भी रख सकते हैं, कंप्लीट के साथ में भी रख सकते हैं. थिंग्स डिसअपियर भी हो सकती हैं, इरोड भी हो सकती हैं, अकम्प्लिश भी हो सकती हैं, बट एक्शंस दोनों काम नहीं हो सकते. एक्शंस हैव टू कम टू एन एंड. तो इसीलिए जब हम किसी प्रोसेस को, किसी एक्शन को लिखते हैं तो उसके साथ में फिर फिनिश वर्ब भी यूज करनी, फिर उसके साथ कंप्लीट नहीं यूज करना. तो यहां पर हम लिखेंगे द मैन फिनिश्ड पेंटिंग द वॉल. अब अगर यहां पर पेंटिंग नहीं लिखा होता, फॉर अ सेकेंड यहां पर पेंटिंग नहीं लिखा, यहां पर केवल द वॉल लिखा है, द मैन फिनिश्ड द वॉल, द मैन कंप्लीटेड द वॉल, तो उस कंडीशन में हम फिनिश्ड या कंप्लीटेड में से कोई भी लिख सकते थे.
फिर क्या डिफरेंस होता? तो वही डिफरेंस होता जो अभी है। मैं आपको अगले एग्जांपल से समझाता हूं। आई फिनिश द होमवर्क एंड वेंट टू प्ले, आई कंप्लीटेड द होमवर्क एंड वेंट टू प्ले। व्हेन आई से आई फिनिश द होमवर्क, तो हमने क्या पढ़ा सिनोनिम फिनिश का? फिनिश के सिनोनिम हमने पढ़े स्टॉप, क्लोज, टर्मिनेट, एंड। तो आई फिनिश द होमवर्क का मतलब मैंने होमवर्क करना फिनिश कर दिया और अपना जा खेलने लगा। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया था, बस इसका मतलब ये कि जो होमवर्क मैं कर रहा था उसको मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, क्लोज कर दिया, कंप्लीट नहीं किया, क्लोज किया, एंड आई वेंट टू प्ले। बट व्हेन आई से आई कंप्लीटेड माय होमवर्क एंड वेंट टू प्ले, इट मींस मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, द फोकस इज ऑन द होमवर्क। बट व्हेन आई से आई फिनिश द होमवर्क, द फोकस इज ऑन द एक्शन दैट इज स्टॉप्ड इट, that you terminated it. Whether the object gets completed or not, it is not mentioned there. But when I say I completed my homework, the focus is on the homework, that no question was left. I did all the questions given in the homework. So that is the difference between finish and homework. Finish focuses on the action. Okay. Complete focuses on the object. So agar humne kabhi कोई एक्शन लिख रखा हो, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट ही लिखोगे फिलहाल में, तो उसके साथ में आपको फिनिश यूज करना है। ऐसी कंडीशन में आप फिनिश भी यूज कर सकते हो, कंप्लीट भी यूज कर सकते हो, मीनिंग्स आर डिफरेंट, एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट। अब हम बात कर रहे थे कि अगर इसमें फिनिश नहीं लिखा होता और एक सेंटेंस केवल इतना लिखा होता, द मैन फिनिश्ड द वॉल, द मैन कंप्लीटेड द वॉल, तो हम कंप्लीटेड या फिनिश को कुछ भी सही मानते। जब हम फिनिश लिखते तो हमें मान के चलते कि यहां पे लिखा नहीं है पेंटिंग बट अंडरस्टूड है। व्हेन वी से द मैन फिनिश द वॉल, तो फिनिश द वॉल का मतलब क्या? फिनिश द वॉल के दो मतलब निकलेंगे। फिनिश द वॉल का मतलब या तो ये होगा कि सम एक्शन वॉज डूइंग ऑन द वॉल एंड दैट एक्शन गॉट फिनिश्ड। सपोज वॉल है, कोई वॉल की रिपेयरिंग कर रहा है, तो अगर हम ये कह रहे हैं द मैन फिनिश द वॉल, तो फिनिश द वॉल का मतलब उसने रिपेयरिंग फिनिश कर दी। That is understood there, कि वॉल को फिनिश करने का मतलब वॉल को रिपेयर करने का काम उसने फिनिश कर दिया। या मान लीजिए वॉल है, कोई उस पर पेंट कर रहा है, तो उसने वो पेंट पूरा कर दिया, तो हम कह सकते हैं ही फिनिश द वॉल। ही फिनिश द वॉल का मतलब ही फिनिश्ड डूइंग पेंटिंग द वॉल। सो द एक्शन समटाइम्स गोज अंडरस्टूड, वी डोंट मेंशन इट, बट इट इज देयर। इफ यू यूज फिनिश, इट इज देयर। नाउ द अदर मीनिंग फिनिश के साथ में दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? सपोज देयर इज अ वॉल एंड समवन इज डिस्ट्रॉइंग इट, वो वॉल को गिरा रहे हैं, नई दीवार बनानी है तो पुरानी दीवार बनी हुई है उसको मजदूर जो है वो तोड़ के गिरा रहे हैं, टूट जाएगी पूरी, गिर जाएगी तो फिर नहीं बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप फिनिश यूज कर सकते हो, कंप्लीट तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इरोजन इज टेकिंग प्लेस देयर। तो फिनिश का मतलब वो भी हो सकता है, दे फिनिश द वॉल का मतलब उन्होंने वॉल को फिनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये भी हो सकता है, अनहाइलेट कर दिया। तो जब हम फिनिश यूज करेंगे तो इन्हीं दो में से कोई एक मीनिंग होगा जो मैंने आपको समझाया। अब मान लो हमने लिखा कंप्लीटेड द वॉल, तो इसका क्या मतलब होगा? द मैन कंप्लीटेड द वॉल, तो कंप्लीटेड द वॉल का मतलब दे वर बिल्डिंग द वॉल, वो वॉल बना रहे थे और जितनी दीवार जहां तक जितनी ऊंची जितनी लंबी बनानी थी उन्होंने उतनी लंबी उतनी ऊंची बना दी, तो इसका मतलब नो मोर वर्क वॉज लेफ्ट टू डू। तो अब हम लिखेंगे कंप्लीटेड, दे कंप्लीटेड द वॉल। सो व्हेन वी से दे कंप्लीटेड द वॉल, द मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट, एंड व्हेन वी से दे फिनिश द वॉल, द मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। सो वी कैन यूज आइदर द फिनिश्ड और द कंप्लीटेड, बट दे आर डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन वो सिचुएशंस डिफरेंट है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वन मोर डिफरेंस, फिनिश कंप्लीट, फिनिश शोज द कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स, कंप्लीशन ऑफ द होल,
दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड एज वेल. ही हैज फिनिश्ड कंप्लीटेड 1/4 ऑफ द वर्क. ही हैज फिनिश्ड कंप्लीटेड 1/4 ऑफ द वर्क. वन एग्जाम्पल एंड वन मोर. दे फिनिश्ड कंप्लीटेड द ताजमहल इन हाउ मेनी इयर्स. आई थिंक 40 इयर्स. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट आई थिंक सो. कि मुझे लगता है शायद ताजमहल बनने में 40 साल लगे थे. बाकी आप देख लेना, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, उसको हिस्ट्री के उससे जज मत करना. अब देखिए, हमने लिखा ही हैज फिनिश्ड 1/4 ऑफ द वर्क. एक काम किसी पर्सन को करने को ले दिया गया और उसने उस काम का एक पार्ट जो है 1/4 हिस्सा उसने कर लिया. द होल वर्क इज नॉट कंप्लीट येट. ही हैज जस्ट कंप्लीटेड द पार्ट. केवल पार्ट कंप्लीट किया. तो अगर हमें कभी ये मीनिंग कन्वे करना हो कि जो कंप्लीट हुआ है वो टोटल नहीं है, वो टोटल का पार्ट है. एंड देयर इज समथिंग मोर टू कम. कि अभी कुछ और भी है जिसको पूरा करना है. तो ऐसे कंडीशन में आप कंप्लीटेड का यूज ना करें, फिनिश का यूज करें. दे फिनिश्ड कंप्लीटेड द ताजमहल इन 40 इयर्स. अब जैसे बताया जाता है कि जो ताजमहल बनाया गया वो 40 सालों में बना. गजब इमारत है, ठीक है. दिल खोल के उस पर काम किया गया, पैसा खर्च किया गया, तो खूब मन से बनाया भी गया. 40 साल लग गए बनने में, ठीक है. तो ये हम किसको रेफर कर रहे हैं, पार्ट के कंप्लीशन को या जो ताजमहल पूरी बिल्डिंग एज अ होल उसकी बात हो रही है. तो पूरी बिल्डिंग की बात हो रही है एज अ होल, ठीक है. तो ये पार्ट नहीं है, ये होल है, ये टोटल है. तो ऐसे सिचुएशन में हम कंप्लीटेड लिखेंगे, फिनिश नहीं लिखेंगे. तो जब हम यूज करते हैं फिनिश्ड को, तो इसका मतलब ये होता है कि समथिंग मोर इज टू कम. कि अभी कुछ और भी होना है, मतलब बाकी रह गया कुछ. बट व्हेन वी सी कंप्लीट, नथिंग एल्स इज टू कम और टू डू. अब कुछ भी नहीं होना, रहना रह गया, सब कुछ हो गया. तो ये हमें ध्यान रखना. इसके साथ में एक छोटी सी बात आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ फिनिश को प्रेफर किया जाता है. फिनिश योर टी एंड लेट्स गेट गो टू वर्क. आप टी हालांकि कंज्यूमेबल आइटम है, खाने पीने की चीज़ है, तो इसलिए भी फिनिश यूज होगा. तो लॉन्ग टाइम में हुए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है कंप्लीट को. तो हालांकि वो प्रेफरेंस की बात है, बेसिक बात यही है कि आपको ध्यान रखना है कि फिनिश का यूज हम करते हैं तब जब हमें ये बताना हो कि जो कंप्लीशन है वो टोटल का नहीं, टोटल के पार्ट का है, देन वी यूज फिनिश. आई हैव फिनिश्ड 14 चैप्टर्स ऑफ द बुक. जैसे मैंने आपको बताया मैं एक बुक लिख रहा हूँ, 20 चैप्टर्स की बुक है, 14 चैप्टर्स मैंने पूरे कर दिए, ठीक है. तो आई हैव फिनिश्ड 14 चैप्टर्स ऑफ द बुक, नॉट कंप्लीटेड. आई हैव फिनिश्ड 14 चैप्टर्स ऑफ द बुक. आई विल कंप्लीट द बुक इन 2 इयर्स, और 2 सालों में पूरी बुक तैयार कर दूंगा. आई विल कंप्लीट द बुक इन 2 इयर्स. द बुक इज टोटल, द बुक इज होल. 14 चैप्टर्स आर नॉट टोटल, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द बुक. तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंप्लीट का मतलब टोटल होल और फिनिश का मतलब पार्ट. तो ये जो मैंने आपको डिफरेंसेस समझाए हैं फिनिश और कंप्लीट वर्ब के यूसेस में, जो कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस होते हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे. अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे. हियर आर द क्वेश्चंस. अब मैं चाहूंगा कि आप 10 सेकेंड्स के लिए एक बार वीडियो को पॉज करें और अपने आप पता करने की कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस में, किस क्वेश्चन में हमें किस सेंटेंस में फिनिश यूज करना चाहिए, किस में कंप्लीट यूज करना चाहिए. देखिए, ही कुड बेयरली फिनिश कंप्लीट द टास्क इन टाइम. हमने वहां पे एक एडवर्ब यूज किया बेयरली,
और एक मॉडल यूज किया कुड। अब हमें पता है कुड मॉडल जो है वो वर्ब के लिए यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं यूज होता। मॉडल्स आर यूज फॉर द वर्ब, दे आर नॉट यूज फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, बेयरली जो हमने एडवर्ब लिखा वो भी वर्ब के लिए यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं यूज होता है। तो वो जो कुड और बेयरली हमने यूज किए हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो हम फोकस कर रहे हैं वो वर्ब पे कर रहे हैं, वर्ब का मतलब एक्शन पे कर रहे हैं, एक्शन के ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है ना वो वर्ब के लिए यूज होते हैं। ही कुड बेयरली फिनिश द टास्क इन टाइम, मुश्किल से ही वो काम को निपटा पाया टाइम में। नेक्स्ट मजे, कमल नीडेड टू मोर पीसेस टू फिनिश कंप्लीट द पजल। सपोज देयर इज अ पजल, जिग्सॉ पजल होती है ना जो पीसेस में होती हैं, तो उसके पीसेस को अगर हम एक साथ में इफ वी पुट टुगेदर ऑल द पीसेस इन करेक्ट ऑर्डर और इन सीक्वेंस देन द पजल गेट्स कंप्लीटेड। तो कोई पजल है, जिग्सॉ पजल है, उसके दो पीसेस मिसिंग है, वो हमें और ढूंढने, फिर वो पजल कंप्लीट हो जाएगी। तो वो दो पीसेस हैं वो क्या करेंगे, उस पजल को होल कर देंगे, फिल कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है, सो व्हेन यू अकम्प्लिश समथिंग, when you fulfill something then you complete something, so isme complete aa jayega, finish nahi aayega। next, after finishing completing high school he persuaded bsc, high school karne ke baad mein usne bsc kiya, ye india wala high school nahi america wala, wahan pe high school ke baad mein fir graduation। theek hai, to humne likha after finishing completing high school he persuaded bsc, to high school is not the total education, kyunki uske baad mein usne bsc bhi kiya। तो हाई स्कूल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज स्कूलिंग और ऑफ हिज एजुकेशन। तो बीएससी के बाद उसने कुछ किया या नहीं किया वो हमें नहीं पता, बट हाई स्कूल के बाद तो उसने बीएससी किया। तो ये जो हाई स्कूल है इट इज जस्ट अ पार्ट, पार्ट एजुकेशन, नॉट कंप्लीट एजुकेशन। नेक्स्ट, सम कैंडिडेट्स हैव फुली फिनिश्ड कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग। फुली, फुली का मतलब होल, टोटल। नेक्स्ट, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड कंप्लीटेड राइटिंग द लेटर। अगर यहां पे राइटिंग नहीं होता तो हम फिनिश्ड या कंप्लीटेड कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या है, राइटिंग लिखा हुआ है, एंड राइटिंग इज द प्रोसेस, राइटिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइटिंग इज द प्रोसेस, राइटिंग इज एन एक्शन। प्रोसेस के लिए फिनिश का यूज कीजिए, और वो ध्यान रखना प्रोसेस हैज टू कम टू एन एंड, प्रोसेस हैज टू कम टू एन एंड, प्रोसेस को खत्म ही होना होता है, तो उसको हम फिनिश वर्ब के साथ ही यूज करते हैं, कंप्लीट के साथ नहीं यूज करते, ध्यान रखना। सो दीज आर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। अब हमने ये पढ़ा, मैंने समझाया, आपने समझा, कुछ समझ में आया होगा, ये हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। इतने एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद में वैसा हम मान सकते हैं कि आप लोगों को ये जो बातें समझाई गई आपको समझ में आई होंगी और इनसे आपको फायदा होगा। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट योर आंसर्स, आपके जो आंसर्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उनको कमेंट बॉक्स में या तो रिप्लाई कर देंगे करेक्ट आंसर्स क्या हैं, या फिर कभी उस पर क्लास रख लेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क। ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं, आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फिनिश एंड कंप्लीट वर्ब। तो आपको फिनिश और कंप्लीट वर्ब्स का यूज करना है और उनके सही फॉर्म्स का भी यूज करना है। सेंटेंस पढ़ के आपको अपने आप पता लगाना है कि वर्ब का कौन सा टेंस यूज करना है, कि थोड़ा सा काम बढ़ गया, लेकिन मुझे लगता है यू विल एंजॉय इट, ऐसा मुझे लगता है कि यू विल एंजॉय इट, विल लव इट। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो ये आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ फिनिश एंड कंप्लीट। ये जो हमने डिस्कशन किया है ये आपको कैसा लगा, कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वीडियो देखने से कुछ फायदा हुआ, लेक्चर देखने से कुछ फायदा हुआ, वॉज इट वर्थ, क्या इतनी देर तक लेक्चर को देखना वॉज इट वर्थ, क्या वर्थ था, उसको कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कैसा लगा। साथ ही में इस तरीके के अगर कुछ और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप कमेंट करें हमारे साथ, व्हाट्सएप पे भी डिस्कस शेयर कर सकते हैं, तो हम उन पर भी आने वाले टाइम में इसी तरीके से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे ऑथेंटिक इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको जो चीज़ें परेशान करती हैं उनको हम एक्सप्लेन कर पाएँ, सिंप्लीफाई कर पाएँ, और हमारी जो लर्निंग है वो
एफर्टलेस हो, प्रोडक्टिव हो, कन्फ्यूजन्स कम हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो। तो ये जो हमने डिस्कशन किया है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपने सारे बच्चे जानते ही हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ से पीडीएफ आपको मिलेगी वो है एसिक इंग्लिश, एसिक इंग्लिश। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल ना करें नंबर ब्लॉक हो जाएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करें, 9999119159। यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डोंट कॉल, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। मुझे नहीं लगता आप इतने नाइव होंगे कि आप ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि आई विल रिस्पॉन्ड इंस्टेंटेंटली, इट डजेंट हैपन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई द सेम डे और द नेक्स्ट डे, ये आपको है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन है, ऐसा कोई कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको परेशान करता है और आप चाहते हो कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं एक्सप्लेन करते हुए, वैसे ही जैसे फिनिश और कंप्लीट वर्क को लेकर बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने आपको दिया, आप इस पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9999119159। इंडिया से बाहर से हैं अगर तो ऐसे हमारे लर्नर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बट इंडिया से बाहर से हैं, वो इंडिया का ISD कोड +91 यूज़ करें इससे पहले। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। बाकी खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू, गुड नाइट।